या इंडिया गेट पे रुकने के लिए जगह है कि नहीं है, मतलब एक आध घंटा अपन दो दो तीन घंटा बिता सके अच्छा बिता सकते खड़े खड़े बिता सकते ऐसे ही भाई इसने कभी खुद से पैसे देना नहीं सीखे, क्या करें संस्कृति कुछ ऐसी है। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इंडिया गेट पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सबसे अच्छा गेट, दिल्ली का नज़ारा। आप देख सकते हो पीछे इंडिया गेट है बरो, एकदम अमेजिंग। और आपको ये दिखाता हूँ, ये परेड स्थल है, आप लोगों ने देखा ही होगा जो पुलिस वाले वाह फौजी लोगों की यहाँ पे परेड होती है 26 जनवरी और 15 अगस्त पे स्पेशली। ये पूरा ग्राउंड है, आपको उनकी रोड दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए व्यू ब्रो, दैट्स अमेजिंग व्यू। और ये इंडिया गेट व्यू। फिलहाल तो आप लोग यहाँ के नज़ारे देखिए, भाई ब्लू लाइट तो काफी अमेजिंग है। आदमी बाहर खड़ा है और अंदर गार्डन सजा हुआ है, ये किसके लिए सजाया है? ये सजाया होगा किसी ना किसी के लिए, पालतू लोगों के लिए तो होगा नहीं। हमने क्या किया है, खाना निकाले, भूख लग रही है। खाना को क्या करे, वो खाने का क्या करेंगे, इतना बड़ा सवाल है आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा इतिहास में। भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह 3:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे रोड लोग बाग कैसे बाहर घूम रहे हैं, भाई लड़का लड़की सब ऐसे ही घूम रहे हैं। देखिए कैसे बैठे यहाँ पे, मन तो इनके कहा पंगत डले वाली। अब गौरव भाई आप यहाँ के इंडिया गेट पर आके क्या महसूस कर रहे हो, मारा तुम्हारी है यही ना पता कि क्या महसूस कर रहे हो। भूख महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, भूख महसूस। सपना था कि इसे नाइट में देखें और आज वो सपना पूरा हुआ। बचपन से सोचते थे कि नाइट में कैसा लगता होगा इंडिया गेट, फाइनली आज हमने देख ही लिया। तो चलो चलते हैं अभी अपन। ये मेरे दोस्त लोग हैं, थोड़े से जल रहे हैं ये, क्या है एक्चुअली इनको अंदर नहीं जाने दे रहे पुलिस वाले, बोल रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते अभी, इसलिए। वैसे बाकी सब एक नंबर है भाई। अभी हम यहाँ पे विश्राम करेंगे कुछ देर इसी तरह बैठ कर। गौरव भाई आप क्या कहना चाहोगे इस इंडिया गेट के बारे में, कुछ कहना चाहोगे कि नहीं? क्या कहना चाहोगे अभिषेक? बस नकलची बंदर हो दो की तो, और कच्ची बात ही ना आने तो बंद। फाइनली गाइस हम लोगों ने इंडिया गेट के पीछे देखा, हमको कुछ नहीं मिला, सिंपल ऐसी रोड मिली। ये जो है काफ़ी मज़ा आया इस रोड पे हमको, हमने एक चौराहे का पूरा का चक्कर लगा दिया इसका, राइट साइड से घुसे थे लेफ्ट साइड से होके निकले हैं भाई। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, हम परेशान बहुत हो गए क्योंकि हमको 4 किलोमीटर का फेरा करा, 1 घंटे में फेरा कम्प्लीट हुआ हमारा पैदल पैदल। सुनी थी वो मैंने जाना तुझे, कितना चाहा था मैंने, तू आस की बन गई, एक और हंसी दिल रुबा बन गई। मैंने कहां से चले याद है। देखिए गाइस यहां पे जवान किस तरीके से इंडिया गेट।
यहाँ पे थकावट के मारे कुछ देर लेट चुके हैं ये बंदे लोग। एक्चुअली क्या है कि अभी इंडिया गेट खुला नहीं है, अंदर जाने के लिए नज़दीक जाने के लिए 6 बजे खुलेगा, तो अभी हम 6 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम यहाँ पे 4 बजे आके बैठ चुके हैं इंडिया गेट के बाहर। पूरा एक राउंड लगाया है, ये सामने आप देख रहे हो उसका एक राउंड लगा के हम यहाँ पे आके दोबारा से बैठ गए। अब ये एक एक ऑंग ले रहे हैं इसी पोजीशन पे। आप इस पोजीशन को क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताइए, ओके। और गाली देना चाहते हो तो कोड वोड में बताइए, ओके। ये घोड़ा है, इसके पास नहीं घोड़ा। हेलो गाइस, तो अभी यहाँ पे इंडिया गेट के 6 बजे गेट खुल चुका है, आप लोग देख सकते हो पीछे काफ़ी लोग दिख रहे होंगे आपको, तो अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं, ओके। और आपको इसको नज़दीक से बताएंगे, देखते हैं अभी आगे। दो घोड़े लोग आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उनके बाहर। देखिए दो घोड़े लोग वहाँ पे अपने जूता चप्पल उतार कर ये विश्राम कर रहे थे, अभी आने वाले हैं, फिर अपन अंदर चलते हैं। कब हुआ था वर्ल्ड वार? सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था और जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, हाँ, उसमें जो सोल्जर्स मरे थे उनका नाम लिखा हुआ। शहीदों का देखते हैं अंदर जाके। तो गाइस, इस इंडिया गेट को नज़दीक से देखने के लिए हमने 3 घंटे यहाँ पे इंतज़ार किया भाई। आप पीछे मेरे देख सकते हो, आपको अंडर ब्रिज दिख रहा होगा, तो अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ मैं इंडिया गेट, ओके। उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ की प्रतिमा दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है ना, शायद आपकी कुछ काम की हो और ज़रूर हो। मैं आपको इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ आपके काम के लायक दिखाऊंगा और दिखाता हूँ। वो अलग बात है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, उम्मीद है आप भी एक ना एक दिन मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो मेरे पीछे इंडिया गेट काफ़ी नज़दीक आने वाला है, मैं उसके नज़दीक जा रहा हूँ। सॉरी, आज हमारा ये ट्रिप रहा काफ़ी अमेजिंग रहा। कल रात हम 10 बजे निकले ग्वालियर से भाई, यहाँ पे हम स्टेशन पे आ गए 3 बजे। 3 बजे से आने के बाद हम यहाँ पे आ गए इंडिया गेट पे 3:30-4 बजे तक आ गए, 3:30 बजे तक आ गए। फिर हमने इसका खुलने का वेट किया, ये अपना खुलता है इंडिया गेट 6 बजे खुल जाता है, इसमें आप नज़दीक से जाकर देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी नज़दीकियाँ, ओके। अमीर शहीदों का जहाँ, ये देखिए आपको इस पर कुछ लिखा हुआ सा दिख रहा होगा। ये यहाँ का उद्यान है और इस समय सुबह सुबह का टाइम है, तो यार काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है हमको भी। बनावट तो इसकी बहुत अजीब है और समझ से बाहर है मेरी, क्योंकि मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था जिस टाइम पे बना हुआ था। शायद उस टाइम पे होता तो मैं आपको इसके बनावट के बारे में और कुछ जानकारी दे सकता था। वो जो आप मूर्ति देख रहे हो, क्यों ये मूर्ति किसकी है? वो मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस लग रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। हाँ देखते हैं ना, देखते हैं इस बार किसकी गैस करी हुई चीज सही निकलती है, अभिषेक की या बेचारे अपने दुख भरे इंसान की। वाह, कौवा का भंडारा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे से देखने में। सुभाष चंद्र बोस देख रहे हैं, हाँ ठीक है ना। और हमारा यहाँ पे गौरव जीतते हुए भाई खुशी के मारे हैं, चल रहा है, पसीना पहुँच रहा है उसको, अंदर ही अंदर डर बैठ रहा था कहीं अभिषेक की बात उसको सच ना लग जाए, मतलब सच्ची ना निकल जाए।
खाने का तो पता नहीं, बट आपका जिस तरीके से पसीना निकल रहा है। पसीना का दिख गया तो भाई, अभी आपने रुमाल से पूछा था, मुंह पूछा हो या पसीना पूछा हो, मुंह पे ही आता है पसीना। वाह क्यों अभी से ये परेड वाले है क्या इंसान? ये वॉक वाले इंसान है, कम्युनिटी वाले। कांग्रेस खड़ी नहीं भाई ये सब काम। आप इनके टी शर्ट पे देख सकते हो DHQ सिक्योरिटी। अभी अपने सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए हैं, हम इसके राउंड लगा रहे हैं इनके चारों बगल और देखते हैं इनके आसपास में और क्या क्या। दैट्स अमेजिंग प्लेस। अब तक का ये हमारा और आपका पहला एक ऐसा ट्रिप रहा है भाई जो काफ़ी अच्छा रहा है। हम लोग इसमें काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अभी यहाँ से जाने के बाद और भी जगह जाएंगे, दिल्ली में काफ़ी जगह हैं। एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, काफ़ी अच्छा व्यू है। इसमें अंदर भी जाते हैं क्या? वॉर मेमोरियल, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। नेशनल वॉर मेमोरियल। तो गाइस इधर जाने का भी फिलहाल बंद है, शायद इधर का भी टाइम ओपन होने का कोई होगा। क्यों इधर भी कोई टाइम होगा ओपन होने का? क्या अभी से टाइम ओपन होगा? नहीं यार होना तो चाहिए। देख कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देख इधर फोटो चलेगा। ये सुभाष चंद्र बोस पीछे से देख रहे हैं हम इनको। यार ऐसी जगहों पर आने में काफ़ी मज़ा आता है, बट थोड़ी बहुत कठिनाई भी उठानी पड़ती है यार। जिस तरीके से हमने यहाँ पे 3 घंटे बिताए बाहर, इसका खुलने का वेट किया था भाई, हमको इसका खुलने का वेट टाइम पता नहीं था ब्रो कितना होगा। एक्चुअली में जब हम यहाँ पे आए तभी हमको पता चला। वैसे हमारा प्लान था यहाँ से दिल्ली आने के बाद कहीं शॉपिंग वगैरह करने का, वहाँ से उसके बाद से इसको देखने का मन था। बट क्या हुआ एक्चुअली, हम यहाँ पे जल्दी आ गए तो हमने सोचा कि आपको यहाँ इंडिया गेट का नाइट का सीन दिखा दिया जाए और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे कितने से कितना टाइम ये ओपन होता है। इसीलिए हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पहले आ गए। अमेजिंग व्यू है सुभाष चंद्र जी बोस के पीछे। दैट्स अमेजिंग इंडिया, आई लव इंडिया। आई लव दिस प्लेस। गाइस यहाँ पे बाहर बाहर से लोग, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे नेपालीज और बाहर विदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और अब ये लोग क्या करने के विचार में, अभी से क्या करवा रहे हैं? फोटो खिंचा रहे हैं। कैसे? कैमरे से। अभी से चश्मा दूँ मत तेई काम लग रही चश्मा का। चश्मा फोटो अच्छा आता है, सकल अच्छी होनी चाहिए। सकल तो है ही, सकल तो गौर देख के चश्मे की जरूरत नहीं तेरी। ये सब लाद दो, मो डस्टबिन बना दो तू, लाद दो तो मैं दो। ओ लादने की कह रहा हूँ, देने की नहीं बोल रहा। आ तो गया, आप तो आ गए। मेरा दोस्त फोटो खिंचवा रहा है विद कैमरामैन। इनका खींच खींच के मन भर दिया फोटोओं से। वाइड एंगल, कौन सा एंगल ले भाई साहब? नीचे बैठे ऐसे ऐसे ऐसे। फर्स्ट फोटोग्राफी सीखू लंगवाना था, तुम पैसा दे भाई नाने मुंह पे। गजब गौरव, गजब गजब पोज। गौरव पोज चेंज किया कर, जाओ मैं।
आई बाय इंडिया गेट। अभी हम चलते दूसरी जगह। ओके हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जो मैं कर जाऊं मैं तो क्या तो अबे जयवान की नहीं मोड़ा ही बोली जा रहा था गौरव जाऊं मैं ला घोड़ा बोला